बेकाबू भीड़ देख अधिकारियों पर फूट पड़ा योगी का गुस्सा। तुरंत पहुंचे अयोध्या, खुद संभाला मोर्चा, अधिकारियों के फूल गए हाथ पांव। योगी की फटकार के बाद अधिकारी खुद उतरे मैदान में। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होते ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। आज सुबह से ही जिले और मंडल के अधिकारी भक्तों को किसी तरह संभालने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन स्थिति बार बार नाकाम होती रही। इसके बाद भी पुलिस प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पा रहा। अयोध्या में एंट्री तक बंद कर दी गई है। राम मंदिर जांच में लगाए गए मेटल डिटेक्टर को भीड़ रोनते हुए आगे बढ़ गई। राम मंदिर दर्शन में भारी व्यवस्था पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई। सीएम की नाराजगी के बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे और खुद ही मोर्चा संभाल लिया। वो लाइनें लगवाते नजर आए, व्यवस्था बनाते हुए दिखे। वहीं योगी आदित्यनाथ भी तुरंत आनंद फानन में अयोध्या पहुंच गए। सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, जब सीएम योगी हेलीकॉप्टर से ही निरीक्षण कर रहे थे, राम मंदिर में व्यवस्था का पूरा नजारा देख रहे थे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक करीब 3 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों की इसी भीड़ के सामने प्रशासन के सारे इंतजाम बोने पड़ गए हैं। इन इंतजामों के ध्वस्त होने के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और जब ये खबर सीएम योगी तक पहुंची, तो उन्होंने प्रमुख सचिव और स्पेशल डीजी को मौके पर भेजा और खुद भी अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने पहले हेलीकॉप्टर से राम मंदिर का जायजा लिया और इसके बाद सीएम योगी ने राम जन्मभूमि परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके बाद अधिकारी ग्राउंड जीरो पर लाउड स्पीकर से लोगों को निर्देशित कर रहे हैं। ब्रैकेट बनाकर श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है, लेकिन राम भक्तों की संख्या इतनी है कि दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या के एंट्री गेट भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल सीएम योगी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और अधिकारियों को फटकार भी लगाई है ताकि अव्यवस्था और ज्यादा न फैले। अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।